माई ऑल ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम टू माई चैनल। आई एम योर साइकिक मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर पर्सनल रीडिंग। अभी पर्सनल रीडिंग ओपन है, ठीक है। तो आज की टॉपिक है आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, व्हेयर यू आर एंड व्हेयर यू विल बी इन फ्यूचर, ठीक है। आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे। कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सो जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ आपको। ऑप्शन नंबर वन बैलेंस, ठीक है, बैलेंस। ऑप्शन नंबर टू हार्ट चक्र, एंड ऑप्शन नंबर थ्री दिस विल। ओके, चूज़ इंट्यूटिवली, नंबर से नहीं चूज़ करना है आपको, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करिए उसी को चूज़ कीजिए, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विथ पाइल वन। ग्रुप नंबर वन, वेलकम। इफ़ यू चूज़ दिस बैलेंस कार्ड, लेट्स सी आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है स्प्रिट की ओर से। कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग अभी ओपन है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट रेजोनेट हो रही है तो आप पाइल को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पाइल। एंड अगर कोई भी पाइल आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को रेजोनेट नहीं हो रही है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। ओके, थ्री ऑफ पेंटेकल्स रिवर्स में आई है, तो डेफिनेटली मेहनत बहुत कर रहे हो आप, बट वो रिकॉग्निशन, वो जितना आप डिजर्व करते हो वो मिल नहीं रहा है। थ्री ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स, वो कॉम्प्लीमेंट जितना आप डिजर्व करते हो वो मिल नहीं रहा। कोई सैलरी हो सकती है, वो जॉब कुछ भी है, वो रिलेशनशिप कुछ भी, बट जितना आप इफ़र्ट्स लगा रही हो ना उतना आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है। ग्रुप नंबर वन, ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर वन, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, बहुत चिंता में है। आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स को नाइट स्लीप डिसऑर्डर हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है बहुत सारी की। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप, या फिर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हो। नाइट स्लीप डिसऑर्डर, बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लगता है यहाँ पर स्लीपिंग टैबलेट्स भी लेते होंगे। चिंता, किसी को जॉब नहीं मिल रही बिकॉज एक कार्ड है प्रोफेशन से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल रहा है आपकी। हो सकता है बहुत सारे एग्जाम वगैरह दे रहे हो बट आप पास नहीं हो रही है, तो दैट्स व्हाई यू आर वेरी वरीड नाउ। आपके प्रेजेंट मोमेंट एंग्जाइटी में है। एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत ही इमोशनल इंट्यूटिव फीलिंग्स है अभी। हो सकता है किसी पर्सन को लेकर आप फील कर, ये सिचुएशन हो सकता है जॉब प्रोफेशन को लेकर, बट ये रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव फीलिंग्स है उस पर्सन को लेकर। आप सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हो बट मुंह से बोलते नहीं हो, ऐसे कोई शख्स हो सकता है। आप किसी के सीक्रेट एडमायरर हो सकते हो, मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, आप मुंह से बोलते बहुत कम हो, मतलब मेल फीमेल जो भी है, इंट्रोवर्ट एनर्जी फील हो रही है। ग्रुप नंबर वन, ओके, सेवन ऑफ पेंटेकल्स, वेटिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम चल रहा है, वो फाइनेंस हो, कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, वेटिंग गेम चल रहा है ग्रुप नंबर वन के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, एंड लास्ट कार्ड द चैरियट। ओके, तो विल पावर से विक्ट्री आएंगे, तो डेफिनेटली आप खुद भी जानते हो, कैंसर साइन हो सकते हैं, आपकी कैंसर आपकी चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली ट्रैवल भी इन्वॉल्व है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में, ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर आपकी पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन समथिंग, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर आप खुद लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मदरलैंड से दूर हो, फैमिली से दूर हो, ऐसे हो सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स, आप स्टूडेंट हो सकते हो, या फिर जॉब एग्जाम वगैरह की तैयारी चल रही है, आप स्टॉक करते हो डेफिनेटली किसी को, सीक्रेटली स्टॉक करते हो। अगर सिचुएशन आपकी मैच हो रही है, ये प्रेजेंट सिचुएशन मैच हो रही है, तो पाइल को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपकी फ्यूचर देखूंगी, व्हेयर यू विल बी इन फ्यूचर। ओके, ओके, लेट्स सी, टैरोट से देखेंगे, ओरेकल्स भी देखेंगे, और आपके लिए सिंबल मैसेज भी देखेंगे, नेटिव अमेरिकन जो सिंबल है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, व्हेयर यू विल बी, ग्रुप नंबर वन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर वन, व्हेयर दे विल बी। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, 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 थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर वन, योर बॉटम ऑफ द डेक, द टेम्परेंस,
तो डेफिनेटली बैलेंस, आपने बैलेंस को चूज़ किया था और अल्टीमेटली बैलेंस ही आपकी लाइफ में फ्यूचर में आएंगे बहुत जल्दी, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बैलेंस, दिस इज़ अ कार्ड रिवर्ड, आपकी सारे हार्ड वर्क जो कि पेड ऑफ होने जा रही है, बैलेंस आएंगे लाइफ में इन फ्यूचर में बहुत जल्दी। चलिए देखते हैं फोर ऑफ पेंटेकल्स, मैं क्या बोल रही थी, इंट्रोवर्ट एनर्जी, मैं प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी इंट्रोवर्ट एनर्जी फील हो रही थी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, बैक टू बैक वॉन्ड्स एनर्जी, वेटिंग गेम खत्म हो रही है। ओके, वाओ, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ शॉर्ट्स टू टाइम्स, एस के एनर्जी, ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर वन, टू ऑफ शॉर्ट्स, ओके, एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, दिस इज द लास्ट कार्ड। ओके, सो यू हैव थ्री एसेस, सी दिस कार्ड, ग्रुप नंबर वन, दिस इज़ ए कम्प्लीटली आपकी फ्यूचर, एक न्यू बिगिनिंग्स के लिए आप तैयारी कर लीजिए। आपकी फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रही है, बिकॉज थ्री एसेस हियर, दिस इज़ वेरी वेरी रेयर कम्बिनेशन होती है, क्योंकि एक साथ तीन एसेस आपके पाइल में आई है, तो स्पिरिट की मैसेज है कि न्यू बिगिनिंग्स इज़ ऑन द होराइजन फॉर यू डेफिनेटली, बट अभी आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टॉप शॉर्ट्स इसकी क्लैरिफिकेशन में आई है, तो मुझे लग रहा है अभी आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई आप जॉब की तैयारी कर रही हो बट रिजल्ट क्या आएगा आपको पता नहीं है, आप रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से एक क्वीन है, प्रिंस नहीं है, क्वीन है, तो शादी का मसला हो सकती है, बट आपको फ्यूचर प्रेजेंट मोमेंट में दिखाई नहीं दे रहा है, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ बिग बिग गुड न्यूज़ फॉर यू ऑन द होराइजन, मैसेज इन ए बॉटल वाली फीलिंग्स मुझे फील हो रही है आपकी पायल देखकर। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो शब्द अभी आपकी सप्रेस्ड है, प्रेजेंट मोमेंट में सप्रेस है, वो अब फ्यूचर में आप बोलेंगे, बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स वो सप्रेस्ड एंड दिस ए शख्स मैच्योर हो गया, ये बोलेंगे, दिस इज़ द पर्सन, ये बोलेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई इंट्रोवर्ट एनर्जी है तो डेफिनेटली दे विल टॉक टू यू वेरी सून, बिकॉज उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी, यंग स्पिरिट, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड क्लैरिफिकेशन में भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या तो फिर आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, या फिर आप जिस पर्सन के साथ डील करोगे वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनकी बातचीत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ओके, ग्रुप नंबर वन, तो जिस चीज़ की आपको वेट है वो चीज़ मुझे मिलता हुआ दिख रही है, सी दिस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वो वेट कर रहे, ऑलरेडी टू ऑफ वॉन्ड्स आपके सेटल्ड है, बट आप किसी चीज़ की वेट करो, क्योंकि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन भी वेटिंग चल रही है, वेटिंग, तो डेफिनेटली वो मिलता हुआ मुझे दिख रही है, ये सब शॉर्ट्स, वो क्लैरिटी, वो चीज़, वो रिलेशनशिप हो सकती है, जॉब हो सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है प्रोफेशन में, तो डेफिनेटली वो मिलेंगे, बिकॉज दिस इज क्लैरिटी, इस इज़ न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफिकेशन में एट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, ये यहाँ पर एक मैरिज हो सकती है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स को मैरिज से देखा जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएशन, यूनियन, बॉन्डिंग एंड फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी की और से भी गुड न्यूज़ हो सकती है, बट मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग मैरिज के लिए बिल्कुल रेडी है, तो मैरिज की ओर से गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, एंड एज वेल एज फर्टिलिटी डेफिनेटली। अगर आप कोई न्यू बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी कोई बिजनेस हो सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा आपकी फेवर में रहेंगे, वो रिजल्ट आपके फेवर में रहेंगे डेफिनेटली। आपकी पाइल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड सी दिस एस ऑफ कप्स, किसी के लिए न्यू लव ऑफर हो सकती है, किसी के लिए न्यू लव प्रपोजल ऑफर हो सकती है डेफिनेटली। मैं टू ऑफ शॉर्ट्स की एक क्लैरिफिकेशन लूँगी, आपकी बॉटम ऑफ द डे का आया था टेम्पोरेंस, ओवरऑल एनर्जी बैलेंस है। ओके, आपकी टू ऑफ शॉर्ट्स कन्फ्यूशन, देखते हैं किस बात का कन्फ्यूशन है फ्यूचर में। ओके, देखते इतनी खूबसूरत पायल है, कन्फ्यूजन किस बात की है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वन टाइम मोर, थैंक यू सो मच, कन्फ्यूजन, डेविल, ओके, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, ओके, तो टेम्पटेशन में बिल्कुल मत आइए, और दूसरों की सुनना बंद कर दीजिए, अपने गट फीलिंग्स की सुनिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्पटेशन है, तो टू ऑफ शॉर्ट्स से मुझे लग रही है यहाँ पर, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी एक टेम्पटेशन देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेल है, फीमेल है, जो भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक शख्स है जिसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, कोई भी, तो थोड़ी बचकर रहिएगा, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होंगे, ऑप्शंस आपके पास होंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पर लव ऑफर दिख रही है, तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिएगा। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलोकेशन हो सकती है आपकी, तो हो सकता है आपको दो जॉब ऑफर मिलेगा,
एक एक में बहुत ज़्यादा आपको टेम्पटेशन फील होगी एंड दूसरी आपके लिए गुड होगा, तो थोड़ी सोच विचार कर कर आपको डिसीजन लेना है, चूज़ वाइजली, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए किसी को, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी की डोर ओपन होने जा रही है, ठीक है। बैलेंस ओवरऑल, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस बैलेंस, किसी के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, थ्री ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रही है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ सकती है किसी के लिए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से कोई मतलब प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल। ओके फ्यूचर, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, बहुत कुछ मिलने जा रही है आपको, बहुत कुछ, तो जितना भी मिले फ्यूचर में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, छोटी से छोटी चीज़ भी हो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस ज़रूर कीजिएगा। ओके कंप्लेंसी, ओके देखते हैं, प्रेयर, ओके एंड द जॉय, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो ग्रुप नंबर वन, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपकी प्रेयर, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा पूरी होने जा रही है, बिकॉज सी दिस, ये आपकी थोड़ी वो अपसेट मोमेंट, आपकी प्रेयर, आप बहुत ज़्यादा प्रेयर सेक्रेड रिचुअल्स कर रहे हो एंड यू विल गेट दिस जॉय, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। एंड दोनों ये दो कार्य आई है सोलर प्लेक्स चक्र से, सन की ऊर्जा से आई है, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है, वो विश कम ट्रू कुछ होने जाए होगी आपकी फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। ग्रुप नंबर वन, बहुत ही न्यू बिगिनिंग्स मुझे फील हो रही है आपके लिए, बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को ट्रस्ट इशू है। या व्हाट इज दिस, कैप्रिकॉन हार्ड वर्क पेड ऑफ होने जा रही है, दिस इज द कैप्रिकॉन एनर्जी, 10th हाउस प्रोफेशन हाउस एक्टिव हो रही है, प्रोफेशन तो जॉब वगैरह मिल सकती है, मुझे सन की ऊर्जा से मुझे फील हो रही थी किसी को गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल सकती है। ओके एंड द मार्स एनर्जी, द मैस्कुलिन, द एक्शन, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एक्शन लोगे एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, बहुत हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क, जो कि पास्ट की हार्ड वर्क जो कि पेड ऑफ होने जा रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मार्स किसी की कैप्रिकन हो सकती है, वो मार्स कैप्रिकन में दिग्बली हो जाते हैं 10th हाउस में, उच्च के हो जाते हैं, फुल मून फुल पावर, आपके पास तो विक्ट्री ही विक्ट्री है, सी दिस कार्ड, फुल मून हियर एंड वॉक्सिंग मून, ओके फुल मून एंड वॉक्सिंग मून, तो डेफिनेटली वो प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि वॉक्सिंग मून के बाद ही फुल मून आती है, तो लाइफ आपकी प्रोग्रेस हो रही है, फ्यूचर जितने जितने आगे बढ़ेंगे आप प्रोग्रेस करोगे। देखते हैं आपकी अल्टीमेट कार्ड कहाँ पहुँचोगे इन फ्यूचर। ओके थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। 3-3 एसेस यू हैव, इस कन्फर्म दिस इज अ न्यू बिगिनिंग्स, कन्फर्म दिस, वेरी रेयर पाइल, वेरी रेयर फॉर ग्रुप नंबर वन। ग्रुप नंबर वन मास्टर कार्ड, द मैप मेकर डेस्टिनी, ओ द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस इंस्पिरेशन फ्री विल, 24 नंबर 6 की एनर्जी है, वेनस का नंबर है, हार्मनी बैलेंस, अगेन वो बैलेंस, 6 बैलेंस, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स की जो ऊर्जा होती है ना, तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे, आप अपनी डेस्टिनी की खुद वो स्टेयरिंग आपके हाथ में होगी, आप ड्राइविंग सीट पर हो, दिस इज़ द एनर्जी, आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, आपकी जीवन आपकी कंट्रोल में रहेंगे, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, डेस्टिनी आप खुद लिखोगे, बहुत ही मुझे वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, सी दिस फेस ऑफ दिस पर्सन, बहुत ही पैशनेट रोमांटिक पर्सन, बहुत ही खुश मिजाज एक शख्स, ऐसे एनर्जी आपकी हो सकती है, ऐसे जगह पर आप पहुंचोगे जहां पर वो खुशी, वो हैप्पीनेस आपको फील होगा, वो जॉय आपको फील होगा, लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। ओके देखते हैं क्या सिंबल है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके दो कार्ड जंप हुआ, बॉटम ऑफ द डेक, सेक्रेड लाइफ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बफेलो की एनर्जी, सेक्रेड लाइफ, अबंडेंस, लॉट ऑफ अबंडेंस, एंड हियर द जर्नी, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, यहाँ पर मुझे फील हो रही थी वो सिक्स ऑफ शॉर्ट, रीलोकेशन हो सकती है, कोई घर खरीद सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में जा सकता है, कम्युनिकेशन, फिफ्थ चक्र, मैं बोल रही थी ना वो चक्र आपके ओपन होने जा रही है, सी दिस कार्ड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके उनकी मास्टर कार्ड देखते हैं फ्यूचर के लिए। थैंक यू स्पिरिट। ओके फॉर ग्रुप नंबर वन,
ग्रेटिट्यूड, ओ माय गॉड, टू टाइम्स यह बहुत कुछ मिलने जा रही है आपको, बहुत कुछ। सी दिस, कर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। हमेशा अपनी गुड विश, एक पॉजिटिव वाइब्स में रहने की कोशिश की। जितना पॉजिटिव वाइब्स में रहेंगे उतने ही आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगे। टू टाइम्स यू हैव ग्रेटिट्यूड एनर्जी। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी फ्यूचर को लेकर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके। फॉर ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर वन, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कोई गुड न्यूज आपको, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ रेनबो हियर, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स हियर। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ होने जा रही है आपकी लाइफ में। आपके लिए लास्ट स्प्रिट की ओर से मैसेज देखते हैं। बहुत कुछ ग्रुप नंबर वन, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पाल, वेरी गुड पाल। बहुत ही एनर्जी भी बहुत सुंदर आ रही है आपकी फ्यूचर की। खुश हो जाओगे, लाइफ बदलने जा रही है। आपके सामने एक आर्ट को शफल कर रही थी, आपने देखा होगा खुद को। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, फुल मून इन लियो, तो इतने इस जगह पर आप पहुंचोगे कि वो थोड़ी बहुत अहंकार आपकी आ सकती है। सो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, एंड ए टाइम फॉर हीलिंग। ओके, हीलिंग की ज़रूरत है आपको डेफिनेटली। ए फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, मार्स की एनर्जी बहुत आ रही है। तो बहुत ही सुंदर एक क्लाइमेक्स अप्रोच होने जा रही है आपकी लाइफ में। सी दिस कार्ड, मैं आपसे बोल रही थी बहुत ही फेयरी क्लाइमेक्स। एंड योर बॉटम ऑफ द डेक, एंड ऑफ ए टॉप साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन एनर्जी इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर वन आपके लिए। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर वन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ग्रुप नंबर टू, वेलकम। आपने हार्ट चक्र को चूज़ किया है, देखते हैं आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अभी ओपन है। मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देखूंगी, अगर रेजोनेट हो रही है तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। दूसरे पाइल आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर टू, प्रेजेंट सिचुएशन, थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड। ओके, तो फाइनेंशियल इशू चल सकता है किसी की, जैसे जॉब की तैयारी चल रही है, जॉब मिल नहीं रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स, मैनेजमेंट की कमी, कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है, या कुछ फैमिली इशू भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स फैमिली को देखा जाता है। तो जैसे वो जड़े, वो जैसे बिगड़ी हुई है, बेस चक्र जैसे बिगड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म नहीं बनी है आपकी लाइफ की, या फिर आप बनाने की कोशिश में हैं वो अब तक बनी नहीं है। वो रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर आपकी जॉब करियर, वो प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रही है। ओके, अगेन द टावर इन रिवर्स, इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड, टावर इन रिवर्स। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा कुछ आपकी पास्ट में हुआ है, कोई हार्ट एक, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी पास्ट में हुआ है डेफिनेटली। बट आप धीरे धीरे हीलिंग, क्योंकि रिवर्स में आया तो हीलिंग हो रही है उसकी। कुछ ना कुछ हार्ट एक, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी पास्ट में हुई है, उसकी हीलिंग चल रही है प्रेजेंट में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, टेन ऑफ शॉर्ट्स, मैं क्या बोल रही थी, बिल्कुल टेन ऑफ शॉर्ट। साइकिल आपकी कंप्लीट होने जा रही है बिकॉज ऑफ टावर मूवमेंट हियर। कोई ब्रेकअप हो सकती है किसी की, पास्ट में हुआ है कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, किसी का जॉब लॉस हुआ है अनएक्सपेक्टेडली, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्ट, किसी का डेथ हुआ है पास्ट में। टावर मूवमेंट, आप धीरे धीरे उससे रिकवर कर रही हो प्रेजेंट में। एंड थ्री ऑफ पेंटेकल्स इन रिवर्स। ओके, तो जितना आप मेहनत कर रहे हो वो डिजर्व, जितना आप डिजर्व करते हो रिवर्स, वो मिल नहीं रहा है आपको। आप हो सकते हैं बहुत सारे एग्जाम वगैरह दे रहे हो बट आप पास नहीं हो रही हो, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, वो पब्लिक रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल रहा है। एंड द लास्ट का द एम्प्रेस। ओके, तो यहाँ पर किसी की फर्टिलिटी नहीं मिल सकती, हो सकता है कि आप फर्टिलिटी के लिए देख रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश में हो बट वो मिल नहीं रहा है। तो डेफिनेटली प्रेजेंट मूवमेंट में उसकी तैयारी चल रही है। एंड एट ऑफ पेंटेकल्स, बहुत ज़्यादा वर्क पर फोकस्ड हो बट वो डिजर्व, जितना आप डिजर्व करते हो वो मिल नहीं रहा। आप बहुत ही वो कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्क किए जा रहे हो। वो रिलेशनशिप में हो सकती है या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी आपकी करियर जॉब को लेकर, बट जितना आप डिजर्व कर रहे हो उतना अब तक पहुँच नहीं रहा है। दिस टाइप ऑफ एनर्जी आपकी प्रेजेंट मूवमेंट मुझे दिख रही है, बट पास्ट में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आपकी डेफिनेटली हुआ है एंड उसकी हीलिंग चल रही है प्रेजेंट में। एंड दिस इज़ वेरी गुड कार्ड कि आप बहुत ज़्यादा आप ही, मतलब मुझे लग रहा है 80 की 90% आप हील हो चुकी हो ऑलरेडी, बिकॉज एम्प्रेस है यहाँ पर।
कोई मदरली फिगर आपको बहुत ज़्यादा वो कंसोल करेंगे, कोई फीमेल, कोई फेमिनिन एनर्जी आपको कंसोल करेंगे या फिर कर रहे होंगे इन प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। अगर रेजोनेट हो रही है तो कंटिन्यू कीजिए, मैं देखती हूँ, मैं ओरेकल मैसेज भी देखूँगी आपके लिए। एंड ये नेटिव कुछ सिंबल हैं, ये नेटिव सिंबल से भी देखूँगी, ठीक है। चलिए ओके, फॉर ग्रुप नंबर टू फ्यूचर, ओके बट दे विल बी इन फ्यूचर ग्रुप नंबर टू। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ, द स्टार कार्ड हियर, वाओ। ग्रुप नंबर टू, ग्रुप वन की रीडिंग भी बहुत खूबसूरत थी, थ्री एसेस आई हुई थी, थ्री एसेस बहुत रेयर। देखते हैं ग्रुप नंबर टू फ्यूचर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। वाओ, टू ऑफ पेंटाकल्स, तो ऑप्शंस तो होंगे, बिजी रहेंगे लाइफ फ्यूचर, बिजी। ओके आओ, ब्यूटिफुल, बैक टू मेजर अरखाना। ओके ग्रुप नंबर टू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, द फूल, वाओ, ग्रुप नंबर टू ब्यूटिफुल, वाओ, द सिक्स ऑफ कप्स हियर, ओके ओके, वाह, फील अ फॉर्च्यून हियर। ओके, कुछ तो छोड़ दो ग्रुप नंबर थ्री के लिए, ग्रुप नंबर टू ही सब लेकर जाओगे। चलो देखते हैं फ्यूचर। अरे भाई क्या हो रही है, ग्रुप नंबर टू टावर मोमेंट थी आपकी प्रेजेंट मोमेंट में, पास्ट मोमेंट में, वो पूरा उठा लोगी, सब कुछ ले लोगी फ्यूचर में। या सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग गेम चल रही है, वो पूरी होने जा रही है। और एक कार्ड लेंगे, लास्ट कार्ड। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेन ऑफ कप्स, ओह माय गुडनेस, सब कुछ अच्छा कार्ड तो आपकी पाइल में आ चुकी है। ओके, तो स्टार एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं आपसे बोल रही थी आपकी प्रेजेंट मूवमेंट में मुझे हीलिंग दिख रही थी। एंड सी दिस कार्ड, द स्टार, उसी क्लैरिफिकेशन में सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी इंतज़ार खत्म होने जा रही है। आपको डिवाइन टाइमिंग की वेट है, तो वो इंतज़ार फ्यूचर में बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। एंड सी, वो चमकती हुई, आप चमकोगे, यू नो, वो साइन करोगे, लोग देखेंगे, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। आपकी हार्ड वर्क पेड ऑफ होने जा रही है, क्योंकि ये सब क्लैरिफिकेशन में आई है, तो डेफिनेटली वो हार्ड वर्क पेड ऑफ होगी। आपकी लाइफ में बैलेंस होगी, क्योंकि ये लैंड है, ये वाटर है, तो दोनों में बैलेंस हो रही है। एक गोइंग विथ फ्लो आपकी लाइफ जाने वाली, गोइंग विथ फ्लो। एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे हंसी आ रही है इस दो कार्ड को देखकर। ऑप्शंस हो सकती है लव लाइफ में, या फिर मुझे लग रहा है किसी को, यू नो, वो जगलिंग थोड़ी होगी प्रोफेशनल लाइफ एंड लव लाइफ में, क्योंकि एनर्जी थोड़ी बिजी रहेगी, क्योंकि बहुत कुछ मिलने जा रही है फ्यूचर में, तो हो सकती है थोड़ी बिजी रहे। बट ए कनेक्शन, टू ऑफ कप्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स, कोई सोलमेट कनेक्शन में आ सकती है, बिकॉज दिस कनेक्शन इज डेस्टाइंड फॉर यू। सो डेफिनेटली यहाँ पर वो प्रोफेशनल लाइफ भी बिजी रहेंगे और रिलेशनशिप को भी टाइम देना है, तो इसमें थोड़ी जगलिंग चलेगी। हो सकता है कि प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी बर्डन होगी एंड रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है, तो थोड़ी जगलिंग रिलेशनशिप में रहेंगे एंड प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। एंड दिस टू, जजमेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, सो डेफिनेटली दिस इज अ कार्ड कि वो रिबर्थ हुआ, वो एट हाउस जो होती है ना, वो एट हाउस स्कॉर्पियो की एनर्जी, जैसे आप रिबर्थ हो गए, आपकी लाइफ में एक रिबर्थ, जैसे आपको प्रेजेंट में कोई होप ही नहीं है, आप पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं आपकी फ्यूचर, बट आपकी डेस्टिनी तो बड़ी है। आप सो जाओगे, बट आपको सोने नहीं देंगे, गॉड आपको सोने नहीं देंगे, दिस इज अ कार्ड ऑफ रिबर्थ। तो कुछ ना कुछ डेस्टिनी एंड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आर्कएंजल गैब्रियल है, तो आपको ऐसे कोई प्रोफेशन आपको मिल सकते हैं जो कम्युनिकेशन मीडिया फील्ड से हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड, यू नो, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करनी, वो मीडिया फील्ड, कम्युनिकेशन मीडिया फील्ड से हो सकती है, बिजनेस भी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हूँ, ऐसी कोई जगह पर आपके लिए वो डेस्टाइंड है, आपके लक आपके साथ हैं। दिस इज़ अ टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एनर्जी, आपके लक आपके साथ है, आपकी एट हाउस मुझे लगता है एक्टिव हो रही है, एक रिवार्ड हो रही है आपकी इन फ्यूचर में होंगी। एंड सी दिस, द फूल एंड द सिक्स ऑफ कप्स, आप नॉस्टैल्जिक बहुत फील करो, मुझे लग रहा है कि हो सकता है प्रेजेंट में या पास्ट में कोई कनेक्शन को लेकर, तो थोड़ी नॉस्टैल्जिक आप फील करोगे, बट दिस कार्ड इज़ अ न्यू बिगिनिंग्स, जीरो, वो शून्य की एनर्जी, जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, जो शो तक पहुँचने की पोटेंशियल होती है, ये वो स्टार्ट किया है जर्नी, तो
तो डेफिनेटली आपकी जर्नी बहुत लंबी रेस की घोड़ा हो आप, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, घोड़ा या घोड़ी जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, तो डेफिनेटली आप एनर्जी वो स्टार्ट किया है अपने एनर्जी को, अपने जर्नी को, तो लंबी लंबी रास्ता है, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। सिक्स ऑफ कप्स, बैलेंस हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, आप अनसर्टेन हो फ्यूचर में, थोड़ी वो डरे हुए हो सकते हैं कोई न्यू जॉब के लिए, कोई रिलेशनशिप के लिए, किसी के लिए मैरिज हो सकती है बिकॉज यहाँ पर जुपिटर है तो मैरिज हो सकती है, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी होगी, थोड़ी डरे हुई, क्योंकि फुल थोड़ी फ्यूचर आपको थोड़ी डरी हुई लगी, बट सिक्स ऑफ कप्स उसकी क्लैरिटी में आई है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्मनी, लव, बैलेंस, बट आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको बैलेंस हार्मनी की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्यूचर कार्ड, ब्यूटीफुल, मुझे लगा ग्रुप नंबर वन बहुत खूबसूरत, बट आपकी पायल तो और भी खूबसूरत है। एंड सी दिस कार्ड, टेन ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, फैमिली, फैमिली बनना, एक्सटेंड होना, फैमिली का एक्सटेंड होना, फर्टिलिटी, चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फर्टिलिटी, आई मीन आप हो सकते हैं कि सिंगल मदर है या फिर आप जिससे शादी करोगे वो सिंगल फादर है, डजेंट मैटर, वो स्पेसिफिक मैसेज है, बट फैमिली, ओवरऑल फैमिली आपकी बैलेंस रहेंगे, खुशी, वो सुकून, वो टेन ऑफ कप्स सुकून का कार्ड है, पीस का कार्ड है, तो पीस फूल एक रेजोल्यूशन फ्यूचर में आपकी वेट कर रहे हैं। एंड सी दिस, यू आर वेटिंग एंड यू आर द स्टार एनर्जी। पॉपुलरिटी, अचानक से किसी का, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ी हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी, बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट आपको आने जा रही है, अगर सोशल मीडिया से आप जुड़ी हो, सोशल मीडिया की कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस आपकी है, यूट्यूब, आप खुद एक यूट्यूबर है, तो डेफिनेटली वो स्टार मिलता हुआ, लोग बहुत जानेंगे आपको। ब्यूटीफुल, फैमिली का एक्सटेंड होना, मैरिज में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि टेन ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सिक्स ऑफ कप्स, सोलमेट से शादी हो सकती है बिकॉज ऑफ टू ऑफ कप्स एंड सोल, सिक्स ऑफ कप्स, सोलमेट के साथ हाई लेवल की ट्विन फ्लेम हो सकती है, लोग अट्रैक्ट होंगे ग्रुप नंबर टू आप से, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब हाई रहेंगे, फ्यूचर की एनर्जी, तो लोग अट्रैक्ट बहुत होंगे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर टू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। रिलीज़, या मैं बोल रही थी ना कुछ आपकी लाइफ में रिलीज़ होगा पूरी तरह से, आपकी एट्थ हाउस रिबर्थ हो रही है, कन्फ्यूशन, टू ऑफ आपकी पेंटेकल्स थे तो जगलिंग चल रही, थोड़ी कन्फ्यूजन, ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, वो ऑप्शन किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, तो उस ऑप्शन की वजह से थोड़ी कन्फ्यूज रहोगे। इनसिक्योरिटी, लव लाइफ में इनसिक्योरिटी हो सकती है, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपकी शादी हो जो स्टेटस लेवल आपसे बड़े हो, तो थोड़ा इनसिक्योर, वो फोर ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी, आपकी बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे लग रहा था फोर ऑफ पेंटेकल्स आई है, या इनसिक्योर एनर्जी, थोड़ी ऑब्सेस्ड रहोगे रिलेशनशिप में, या फिर कोई आपको लेकर थोड़ी इनसिक्योर फील करेगा। बिटर एंड स्वीट, ओके, तो बहुत ज़्यादा वो बिटर एंड स्वीट की एनर्जी, सी दिस कार्ड, वो खुशी के आंसू, सी दिस, एक खुशी के आंसू है, एंड परसेप्शन आपकी, एंड वो इमोरल, किसी के हाथ में इमोरल हो सकती है, वो पन्ना, वो इसे पन्ना कहते हैं इमोरल, तो बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, परसेप्शन बहुत ज़्यादा, एंड टू बटरफ्लाई ईयर, वो सोलमेट कनेक्शन एंड हमिंग बर्ड, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करोगे बहुत ज़्यादा, एंड इमोरल से मुझे लग रही है वो मर्करी की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, परसेप्शन, इंट्यूटिव कनेक्शन हो सकती है, आपकी थर्ड चक्र भी बहुत ज़्यादा ओपन रहेंगे, थर्ड एंड सिक्स चक्र बहुत ज़्यादा ओपन रहेंगे आपकी। एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअली अवेकन, सी दिस कार्ड, स्पिरिट आपके साथ है, स्पिरिट की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, एंड सर्विस, ओके, कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप, या फिर सोशल वर्क आप बहुत करेंगे, टीचिंग फील्ड से, जो दूसरों को मदद होती है ऐसे फील्ड में आप हो सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर टू, एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, लुक फॉर अ साइन, मैं आपसे बोल रही थी ना एनलाइटमेंट, एंड आपकी थर्ड चक्र ओपन है, तो बहुत सारे साइन आपको दिखेंगे, लुक फॉर अ साइन, आपकी जब भी आपको प्रॉब्लम होगी ना, आप जब मतलब आस्क फॉर हेल्प, आप जब करोगे ना, मदद मांगोगे ना स्पिरिट से, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ साइन आपको देंगे, आपकी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव साइकिक पर्सनालिटी हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, कुछ ना कुछ ड्रीम में, फेदर्स में एंजल नंबर देखकर आपको वो ट्रिगर कर देंगे, एंजल या फिर आपके गॉड, तो साइन पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड क्या है। ओके ओके, नो आई नॉट टेक इट, आपकी मास्टर कार्ड, ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
for group number 2. Okay. The Eagle King, the big picture, angelic help, number 2. Again, वो angel help, बहुत सारे lot of feathers, Eagle King. आपकी spiritual, आप बहुत ज़्यादा spiritually awakened होंगे मुझे लग रहा है. बहुत सारे numbers, बहुत सारे angel number आपको दिए. Number 12, number 3, again वो Mercury की number. Important है, communication बहुत ज़्यादा important रहेंगे. And Eagle, बहुत ही वो focused energy, Eagle की energy बहुत ही दूर से वो देख लेता है. वो बहुत ही ज़्यादा you know, focused होती है. तो definitely आपको focused रहने की ज़रूरत है. जो भी काम आप कर रहे हो, you are on the right track. तो फोकस रहने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत कुछ आपको मिलने जा रही है फ्यूचर में. फिर ग्रुप नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच. ओके, देखते हैं फ्यूचर में क्या मिलने जा रही है आपको. ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर में क्या मिलने जा रही है. ओके, वन टाइम मोर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपकी बॉटम ऑफ द डे अबंडेंस एंड एक्सेप्टेंस. ओके, नंबर 4, स्टेबिलिटी. सो डेफिनेटली यहाँ पर वो दो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन जैसे एक दूसरे के और जा रहे, एक्सेप्ट कर रहे हो एक दूसरे को, सरेंडर कर रहे हो एक दूसरे को. तो यहाँ पर मैरिज हो सकती है, लव प्रपोजल हो सकती है, कोई एंगेजमेंट होगा. डेफिनेटली यहाँ पर एक वो इक्वली गिवन एंड टेक का रिलेशनशिप है. मुझे वो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स लवर्स कार्ड मुझे फील हो रही है. और आपके पास टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स भी है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस. लेट्स सी. ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच. ओके, फिर ग्रुप नंबर 2, वॉकिंग मून, जो कि फुल मून की ओर जा रही है. प्रोग्रेशन, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है लाइफ आपकी. पाइसिस की एनर्जी, इंट्यूशन, अगेन इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ओपन, बहुत साइन आपको दिखेंगे. ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी वो एनर्जी है. एंड द स्टार कर, टू टाइम्स यू हैव स्टार कर, तो डेफिनेटली पॉपुलरिटी आ रही है, रिकॉग्निशन आ रही है. क्रश, क्रश इंपॉर्टेंट है किसी के लिए. क्रश, यू नो, आप किसी के क्रश हो सकते हो, या फिर आप किसी, आपकी क्रश, आप उनको सीक्रेटली देखते हो. क्रश इंपॉर्टेंट है. वाटर, इमोशनल, इमोशंस इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर मैरिज, वो एंगेजमेंट, कोई अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है. एंड मर्करी में अगेन आपकी पायल देख कर ही बोल रही थी मर्करी. एंड सी दिस मर्करी एनर्जी, टीचिंग फील्ड से, इंजीनियरिंग फील्ड से कोई हो सकते हैं. बी टेक, एम टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मर्करी. एंड द वेस्ट एनर्जी, कुछ ना कुछ रिलीज हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ रिलीज होगा. एंड द सन एनर्जी, ओ वाओ, दिस एनर्जी इज ह्यूज. द सन एनर्जी, सक्सेस, विक्ट्री, अल्टीमेट विक्ट्री, द सन इज प्रेजेंट हियर डेफिनेटली. एंड यू हैव दिस ब्लेसिंग्स. लेट्स सी क्या सिंबल है आपके लिए ग्रुप नंबर 2. ओके, दिस इज द कोर्टशिप, एंगेजमेंट, यूनियन, कैक्टस फ्लावर. मैं क्या बोल रही थी आपसे. And wish, desire, fulfill. Wow, group number 2. Beautiful. Peace pipe, spiritual ceremony, marriage. Oh my goodness. Group number 2. बहुत सारे majority. सबकी शादी तो नहीं हो जाएगी, कोई मैरिड भी है, बट डेफिनेटली रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही. बहुत सारे सेक्रेट रिचुअल्स घर में होंगे. वो कोई भी सेरेमनी हो सकती है, कोई किसी का बच्चा हो गया तो उसके लिए कोई सेरेमनी है, मतलब स्पिरिचुअल सेरेमनी होगा. पीस पाइप विथ स्पिरिचुअल सेरेमनी, पूजा पाठ घर में ऐसे हो सकती है. बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ, स्प्रिट एनर्जी, स्प्रिट आपके साथ. मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये पायल बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी में है, बहुत ही ऑस्पिशियस. लेट्स सी स्प्रिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. थैंक यू स्प्रिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर 2. थैंक यू स्प्रिट, थैंक यू सो मच. ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. बिल्कुल बिल्कुल, पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है. ओके, 2 कार्ड आ गई है. व्हाट Do you need to release? Waning moon. See this card. यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पास्ट को रिलीज करने के लिए, और आपसे स्पिरिट सवाल करेगी क्या रिलीज करने की ज़रूरत है. खुद सोचो क्या रिलीज करने की ज़रूरत है. जो आपको सर्व नहीं करता, जो टॉक्सिक है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है. एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग. फुल मून इन जेमिनी, मर्करी अगेन. जो सवाल आप ढूंढ रहे हो ना, बहुत जल्दी, दे आर ऑन द होराइजन. ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम. अगर आपने व्हील को चूज़ किया है तो देखते हैं आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. स्पेशली आपकी फ्यूचर में प्रेजेंट देखेंगे, रेजोनेट हो रही है तो कंटिन्यू कीजिए. पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा. ठीक है, अभी पर्सनल रीडिंग ओपन है. कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, तो सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ. आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कंटिन्यू कीजिए, अगर रेजोनेट हो रही है तो.
अदरवाइज आप दूसरी फाइल चेक कर सकते हो और यू कैन स्किप दिस वीडियो. ओके ओके फॉर ग्रुप थ्री. थैंक यू सो मच. ओके एम्प्रेस. ओके द टावर. टेन ऑफ पेंटिकल रिवर्स. जस्टिस रिवर्स. क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके एंड फाइव ऑफ शोर्स रिवर्स. तो एनर्जी आपकी प्रेजेंट मूवमेंट की एनर्जी साइकिल चल रही है. कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आपकी हुई है डेफिनेटली. एंड एम्प्रेस के बाद ही टावर. किसी की अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो सकती है. मुझे अचानक फील हुई बट डजेंट मैटर. बट मुझे लग रहा है किसी की ब्रेकअप हो सकती है. किसी का डेथ हुआ है पास्ट में. तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंट मूवमेंट बहुत ज़्यादा अपसेट. बिल्कुल अपसेट मूवमेंट है टावर एंड विद द एम्प्रेस कार्ड. अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली हुआ है. किसी का जॉब लॉस हुआ है. कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट अभी फेस कर रहे हो आप प्रेजेंट मूवमेंट में. एंड टेन ऑफ पेंटेगल रिवर्स. तो फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं मुझे लग रहा है. आपकी फैमिली लाइफ की हारमनी वो बैलेंस नहीं. वो हारमनी नहीं है फैमिली लाइफ में. या फिर वो फोर्थ हाउस वो कम्फर्ट जोन आपके पास नहीं है. बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा. क्योंकि फोर्थ हाउस जब बिगड़ी होती है तो इनसिक्योर फैमिली से दूर जाना हो सकता है. मदरलैंड से आप दूर हो. एंड द जस्टिस. कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है आपकी लाइफ में. दैट्स व्हाई द टावर मूवमेंट है. एंड वो जस्टिस भी रिवर्स में है. आपको लगता है कि गॉड आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है. सामने वाले को आप देखते होंगे तो आप सोचोगे कि गॉड उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा. तो ऐसे एनर्जी में आप हो सकते हो. एंड क्वीन ऑफ कप्स. अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है. आप अभी हाल फिलहाल हो सकता है आप खुद पर फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा. खुद पर जॉब को लिए खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश में हो. हो सकते हो आप जो वीडियो को देख रहे हो वो सिंगल मदर सिंगल फादर हो. क्वीन की एनर्जी. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है. बिल्कुल एक आइसोलेटेड मूड पे डिटैच्ड फील करो बहुत ज़्यादा. क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक क्रिएटिव क्रिएशन की ऊर्जा होती है. तो वो रिवर्स में आई है. तो डेफिनेटली लो वाइब्रेशन में हो बहुत ज़्यादा. कुछ नया क्रिएट करने की मूड पे बिल्कुल नहीं हो. बिल्कुल एक आइसोलेटेड डिटैच्ड फील कर रहे हो. कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हुआ है. लिटरली किसी का डेथ हुआ है या फिर कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुई है. अचानक से अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट हुआ है जो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी. बुरी दुनिया हिला दी. ऐसी कोई सिचुएशन आपकी हुई है. अगर प्रेजेंट मूवमेंट ऐसी है तो कंटिन्यू कीजिए पायल को. एंड फाइव ऑफ शॉर्ट्स इन रिवर्स. मुझे लग रहा है आपके आसपास की एनर्जी भी बहुत जजमेंटल है. आपके साथ लोगों की कंपेयर करना. दूसरे को जॉब मिल गया तो आपको नहीं मिला तो लोग कंपेयर करेंगे कि तुम बताओ तुम क्या कर रही हो. तो लोग पूछेंगे इस तरह से. जो पूछते हैं लोग ना. तो एक एक एनर्जी ऐसी है. नो आई नॉट टेक इट. ओके चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या आ रही है. ब्लेसिंग्स फ्यूचर में. आपकी प्रेजेंट एनर्जी तो बहुत ही साइकिल चल रही है. वो ख़त्म नहीं हो रही है. ग्रुप नंबर थ्री. साइकिल चल रही है लाइफ में बट आप निकल नहीं पा रही हो साइकिल से. न्यू बिगिनिंग्स नहीं आ रही है लाइफ में बिल्कुल भी. ग्रुप नंबर थ्री. ओके 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 ये फर्स्ट कार्ड एट ऑफ कप्स. कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है. मैं बोल रही थी ना कुछ रिलीज हो रहा है आपकी लाइफ में. एट ऑफ कप्स. या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जा रही हो. फॉरन कनेक्शन इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग मदरलैंड से दूर जा रही हो. मैं बोल रही थी फैमिली बिगड़ी हुई है. फैमिली लाइफ से दूर जाना कुछ ना कुछ चल रहा है. सिक्स ऑफ कप्स. आपकी फ्यूचर कार्ड. बैलेंस हो रही है. लाइफ बैलेंस हो रही है. सी दिस कार्ड. दूर जा रही हो बैलेंस हो रही है. कुछ वो सुकून आ रही है. वो बैलेंस आ रही है. सोलमेट कनेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है. चाइल्डहुड फ्रेंड कलीग्स नेबरर हो सकती है कोई. सिक्स इज ऑल अबाउट बैलेंस हारमनी. बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करोगे मुझे लगता है. अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर में आपको हो सकता है कि आपको फॉरेन ट्रैवल करना पड़े. लॉन्ग सिटी में जाना पड़े. आई मीन लॉन्ग डिस्टेंस सिटी में जाना पड़े. तो आप फैमिली को मिस करोगे. किसी के लिए मैरिज हो सकती है कि लॉन्ग डिस्टेंस में मैरिज हो गया तो फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करोगे. या फिर इस शख्स आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है. टीनेजर से जानती हो. स्कूल कॉलेज लेवल से जानती हो. ऐसी कोई पर्सन हो सकती है. थ्री ऑफ पेंटेकल्स. रिकॉग्निशन आ रही. पब्लिक रिकॉग्निशन. आपकी हार्डवर्क पेड ऑफ होने जा रही है. हार्डवर्क आपकी पेड ऑफ होगी. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है. पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो. वाओ सी दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स. जो रिवर्स में आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी रिवर्स में आया था प्रेजेंट मोमेंट. जो किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट में आई है. सो डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी आ रही. वो क्रिएशन जो आपकी ब्लॉक थी वो फिफ्थ हाउस वो क्रिएशन की हाउस ब्लॉक थी. वो रोमांस ब्लॉक थी. वो ओपन होंगे. पैशनेट कनेक्शन ओपन होंगे. मे बी दिस इज योर पर्सन. डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल बट दे आर वेरी पैशनेट. दे आर वेरी पैशनेट. और मे बी यू आर इन दिस एनर्जी. इट इज लियो सैज.
हायरोफेंट, या डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज इन्वॉल्व है, मैरिज सैक्रेड रिचुअल्स इन्वॉल्व है डेफिनेटली। टॉरस, टीचिंग फील्ड में आप हो सकते हो या फिर जॉब एंटरप्रेन्योर हो सकते हो या फिर कंपनी में किसी का आईटी सेक्टर, कंपनी में किसी का जॉब, इंजीनियरिंग फील्ड हो सकती है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो वाटर एंड फायर की कम्बिनेशन हो सकती है आपकी या फिर उनकी बर्थ चार्ट में वाटर एंड फायर इंपॉर्टेंट है। लग्न हो सकते हैं, सन मून राइजिंग हो सकती है, खुद पर फोकस करोगे। ग्रुप नंबर 3, ये एनर्जी खुद को इंडिपेंडेंट करना, खुद पर फोकस्ड करना, खुद को नर्चर करना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग, यू नो बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल, यू नो पार्लर वगैरह जाना, खुद को ग्रूम करना, खुद को तैयार करना। वाओ, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, उसके नीचे सिक्स ऑफ कार्ड्स, डेफिनेटली डेफिनेटली ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ जस्टिस, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बैलेंस, दिस इज़ इक्वल गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप, डेफिनेटली बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में। बोल रही थी ना, जो साइकिल आपकी चल रही थी वो खत्म होने जा रही है। वाओ, दिस इज़ अ फोर ऑफ वांड्स, मैरिज कार्ड, स्टेबिलिटी का कार्ड, नंबर 4 का कार्ड है डेफिनेटली। किसी के लिए मैरिज है, किसी के लिए एंगेजमेंट, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो सो वो स्टेबिलिटी होगी, वो रिलेशनशिप और भी स्टेबल होंगे, मजबूत होंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वाओ, नाइट ऑफ पेंटेकल्स, आपकी लाइफ में जो भी होंगे ना वो शनाए शनाए होंगे, धीरे 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 धीरे, कुछ भी अचानक से हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो शनाए शनाए होगा। वाओ, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, एंड द किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, मैं बोल रही थी कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है यहाँ पर। एंड एम्प्रेस, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत मैरिज को लेकर बहुत डिले चल रही है, बिकॉज एम्प्रेस नाइट ऑफ पेंटेकल्स के बाद एम्प्रेस आई है, तो मैरिज डिले हो रही है। वो प्रिंस से एम्प्रेस बनने की जो जर्नी है वो थोड़ी लंबी है किसी के लिए, बट एम्प्रेस अब बन जाओगे, दिस इज अ डेस्टाइन फॉर यू। एंड द हायरोफेंट, जो जुपिटर वो वेनस यहाँ पर मौजूद है, टॉरस लिब्रा एंड हियर द टॉरस, तो डेफिनेटली वेनस प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, मून प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, एंड सैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, उनकी ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, गुड न्यूज़, एंड मुझे स्पेशली लग रही है बिकॉज ऑफ 3 ऑफ पेंटेकल्स एंड एम्प्रेस, आपकी जॉब को लेकर भी बहुत ही एक गुड न्यूज़ आपको फ्यूचर मिलने जा रही है। दिस इज टोटली ब्रांड न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू, साइकिल खत्म होने जा रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 3, पब्लिक रिकॉग्निशन आ रही है। ओके, नॉर्थ नोड, ओके द सोर्स पॉइंट, जहाँ पर आपकी स्प्रिट, आपकी सब कुछ डाउनलोड होती है ना, वो यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है, दैट इज़ द नॉर्थ नोड, तो वो बैलेंस हो रही है। बहुत सारी बैलेंस का कार्ड है आपके पास, वो बैलेंस हो रही है, नॉर्थ नोड बैलेंस हो रही है। एक्यूरियस, ओके नंबर 11th हाउस, विश कम ट्रू, फ्रीडम आ रही है, फ्री हो जाओगे आप, वो स्टकनेस वो रिलीज हो रही है, वो स्टकनेस रिलीज हो रही है। एक्लिप्स, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक्यूरियस इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैप्रिकॉर्न 10th हाउस, मैं बोल रही थी ना प्रोफेशनल, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है, 10th हाउस सैटर्न कैप्रिकॉर्न शश महापुरुष योग हो सकती है, सैटर्न एक्वेरियस में है या फिर कैप्रिकॉर्न, दोनों ही सैटर्न कार्ड आई है, सैटर्न इंपॉर्टेंट है, 10th हाउस एक्टिव है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तैयारी चल रही है तो क्विट मत कीजिए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर मुझे पाइल में रोल प्ले कर रहा है, तो डेफिनेटली डिले है, नाइट ऑफ पेंटेकल्स से डिले है, बट ट्रॉफी आपके हाथ में होगी, दिस इज द blessings for you, but sanae shanae। Scorpio 8th हाउस, आप मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट एनर्जी हो, मुंह से कम बोलते हो, मगर कम्युनिकेशन थॉट चक्र आपके थ्रू ब्लॉक्ड है, आपको एस्ट्रोलॉजी टैट का रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकती है। एंड कैंसर एनर्जी है, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली बन रही है, 4th हाउस भी एक्टिव है, फैमिली बनना, फैमिली की ओर से प्रपोजल आना, आई मीन थ्रू फैमिली कोई मैरिज तय हो सकती है। फुल मून फुल विक्ट्री, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है किसी की लव का मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, बट लव मैरिज मुझे फील नहीं हो रही, लव का अरेंज मैरिज और अरेंज मैरिज। ओके, देखते हैं
क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट है, तो प्रीस्ट यहाँ पर मौजूद है एंड कैंसर फोर्थ हाउस है, तो फैमिली की ओर से शादी होना या फिर फैमिली मान जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी एक गुड न्यूज़ आ रही है, वो रिकॉग्निशन हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है या फिर कोई न्यू जॉब ऑफर। क्विट मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर सैटर्न रोल प्ले कर रहे, कुछ ना कुछ डिले है, बट क्विट मत कीजिए। ग्रुप नंबर थ्री, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लिसन टू योर इंट्यूशन, योर बॉटम ऑफ द डेक, जो आपको ठीक लगता है, आपकी गट फीलिंग्स आपको यस कहते हैं, वही कीजिए। लुक फॉर अ साइन, ओ माई गुडनेस, लुक फॉर अ साइन, सी दिस कार्ड। जैसे स्पिरिट आपको सिंबल देते होंगे, जब भी आपको ज़रूरत होती है स्पिरिट जैसे आपको सिंबल देते होंगे, अटेंशन देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं व्हाट गुड न्यूज़ आर कमिंग फॉर यू, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फ्यूचर में। ग्रुप नंबर थ्री, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रोथ, मैं क्या बोल रही थी, ग्रोथ हो रही है लाइफ में, कुछ ना कुछ एक्सपेंड हो रही है, फैमिली का एक्सपेंड होना, आपकी करियर का, आपकी प्रोफेशंस का, कुछ ना कुछ एक्सपेंड हो रही है लाइफ में, ग्रोथ। सोलमेट, या दिस इज, मैं बोल रही थी ना, सोलमेट कनेक्शन हो सकती है आपकी, किंग एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, वाटर साइन की कम्बिनेशन हो सकती है या फिर वाटर फायर की, सोलमेट कनेक्शन या सोलमेट की एंट्री हो सकती है। इम्पेशेंस, आपको वो सिंगलनेस सहा नहीं जा रहा आपसे, थोड़ी इम्पल्सिव एनर्जी फायर साइन की हो सकती है, वेरी स्लियो सैज इंपॉर्टेंट है, मार्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते होंगे, मार्स बिकॉज सैटर्न है, सैटर्न आपको मतलब जब चाहे चाहते हो अब तब देंगे नहीं, और मार्स की वजह से चीज़ों में जल्दबाजी, तो उसके चलते एक वो फ्रस्ट्रेशन, मार्स को चाहिए और सैटर्न देंगे नहीं, तो एक चल रहा है आपकी लाइफ में। फॉरगिवनेस, ओके, तो कुछ ना कुछ फॉरगिव करने की ज़रूरत है, पास्ट को फॉरगिव कर दीजिए बिकॉज आपकी फर्स्ट कार्ड आया था एट ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है, बिटर एंड स्वीट, वो खुशी के आंसू है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ मिलने जा रही है आपकी लाइफ में, वो खुशी के आंसू जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर थ्री, थैंक यू सो मच देयर फ्यूचर, ग्रुप नंबर थ्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, मैं और एक बार शफल कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके ओके, दो कार्ड आ गई हैं। ओके ओके, द सन डांसर 32, सन की एनर्जी है, जॉयफुल एक्टिविटी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अबंडेंस, 32 इम्पॉर्टेंट नंबर, 5 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मुझे वो 5 से वो फिफ्थ हाउस, वो लियो की एनर्जी फील हो रही है, चेंज आ रही है, बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, आप खुश, वो खुशी है, मैं बोल रही थी वो खुशी के आंसू, लॉन्ग टाइम के बाद कुछ मिलने जा रही है आपको, द स्पिरिट व्हिस्पर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग 3, जैसे मैं बोल रही थी वो लुक फॉर ए साइन, तो कहाँ गया वो कार्ड, या सेम मैसेज आपके लिए, जैसे स्प्रिट विश पर करिए बट आपको सुनने की ज़रूरत है, स्प्रिट जैसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगी, 3 बर्ड्स टोटेम फेदर्स बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे, हायर नॉलेज, कोई करियर की ग्रोथ हो रही, किसी की करियर की ग्रोथ, जैसे कोई हायर स्टडीज़ PhD वगैरह करेंगे, हायर स्टडीज़ MTech BTech हो सकते हैं, कुछ हायर स्टडीज़ पे इन्वॉल्व होंगे, कोई MPhil वगैरह कोई कर सकता है, डिप्लोमा कोर्स, हायर स्टडीज़, किसी का 9th हाउस एक्टिव हो गई है, 9th एंड 10th हाउस, प्रोफेशन, सन की एनर्जी, मुझे लग रहा है किसी को न्यू जॉब मिल सकती है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है, तो क्विट मत कीजिए, सैटर्न इन्वॉल्व है तो थोड़ी भगाएंगे पर देंगे ज़रूर, क्विट मत कीजिए, बिल्कुल क्विट मत कीजिए। ओके, रियलाइज नंबर 3, ओके 3, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो, मरकरी का नंबर है, रियलाइज, अब रियलाइज़ करोगे धीरे धीरे, मैं बोल रही ना शनाएँ शनाएँ, आपकी लाइफ की मोशन है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है, नंबर 28 आपकी एज हो सकती है, या फिर नंबर 1 सन की एनर्जी, पीस रिस्टोर्ड हो रही है, फ्यूचर में पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं, एक नेटिव सिंबल है, तो क्या मैसेज है सिंबल की ओर से फ्यूचर में आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके,
दिस इज़ पैशन सेक्शुअलिटी ओके, तो कि कोई रिलेशनशिप में हो सकते या फिर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मैरिज पैशन, ये एक्चुअली पैशन का सिंबल है नेटिव अमेरिकन सिंबल में, ठीक है चलिए देखते हैं। ओके ओके व्हाट इज़ दिस, परमानेंट होम कम्फर्ट पीस, सी दिस टू टाइम पीस कार्ड, सो डेफिनेटली परमानेंट होम, किसी का मैरिज हो सकता है क्योंकि परमानेंट होम, कोई घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट बुक करना चाहते हैं, यू नो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में घर खरीदना चाहते हैं, पीस रिस्टोर हो रही है, मैरिज हो रही है, दूसरे घर पे आप जा रहे हो अगर आप फीमेल हो तो, एक परमानेंट होम बन रहा है आपका, कंफर्ट जोन बन रहा है, फोर्थ हाउस, ट्रूथ एंड जस्टिस, सी दिस ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, आपकी लाइफ आपके साथ जस्टिस किया जाएगा, एंड सैटर्न यहाँ पर इन्वॉल्व है, जस्टिस, सो डेफिनेटली वो जस्टिस आपको मिलेगा, जितनी भी डिले हुई है वो भरपाई हो जाएगी। वाओ दिस 8 पॉइंट स्टार, होप एंड गाइडेंस, मैं बोल रही थी ना वो स्टार की एनर्जी है, हीलिंग हो रही है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्प्रिट की ओर से, रास्ता आपको दिखेगा बहुत जल्दी। ओके एंड दिस इज योर बॉटम ऑफ द डे, कोर्टशिप एंगेजमेंट मैरिज, स्ट्रेंथ स्प्रिट एनर्जी, इस स्ट्रेंथ का सिंबल है वो लियो की एनर्जी अगेन, सो डेफिनेटली यहाँ पर वो स्ट्रेंथ वर्क करेंगे, एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी फील हो रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा। Let's see, स्प्रिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, थैंक यू स्प्रिट, थैंक यू सो मच। ओके यू एंड योर लव वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, ओके ब्यूटिफुल मैसेज, ब्यूटिफुल मैसेज, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ अ विन विन आउटकम फॉर यू डेफिनेटली, एंड यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, ओके सो आप अपने आप को डिजर्व कीजिए, आप लकी नहीं हो जो ये आप जीत जाओगे, आपको मिल जाएगा, इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिल जा रही है, यू आर लकी, नो यू डिजर्व दिस, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया, अगर आपको कोई कह रहा है कि यू आर लकी, आपको इतना कुछ मिल गया है, नो यू डिजर्व दिस, सो डिजर्व फील करने की ज़रूरत है, भर को एनालिटिकल प्रैक्टिकल माइंडेड रहने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3, आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।